आपका मेंटोर AK सिंह। और आज फिर से हम अपनी सीरीज़ की तरफ देखेंगे, यानी कि हम जो सीरीज़ देख रहे हैं KVS NVS DSSSB और UP सुपर टेट की जो हम तैयारी कर रहे हैं। इसमें हमने कंप्यूटर की सारे सिलेबस की सारी चीज़ें देख ली हैं, और जो कुछ चीज़ें बच रही हैं यानी कि क्वेश्चन आंसर बच रहे हैं वो हम बाद में देखेंगे। अब देख रहे हैं हम GK GS और अवेयरनेस के क्वेश्चन, यानी कि जो अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपको 20 से 30 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में हम देखने के लिए मिलेंगे। तो एवरेज हम उन क्वेश्चनों को देख रहे हैं, जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हैं या पूछे गए हैं वही क्वेश्चन देख रहे हैं। क्योंकि इस तरह क्वेश्चन, यानी कि GK हो गया, GS हो गया, ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट होते हैं, और आपको जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनमें से 101% 20 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे देखने के लिए। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख रहे हैं उसका पार्ट टू देख रहे हैं। इससे पहले पार्ट वन आ चुका है, आप उसे जाकर देखिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो GK और GS के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं टीचिंग एग्जाम में उन्हें देखिए। सबसे पहला हमारा देखते हैं क्या है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण मिलता है, और ये बिल्कुल स्टार लगा लीजिए, कई बार पूछा गया है, और तो और टीचिंग एग्ज़ाम में भी और नॉर्मल एग्ज़ाम में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। इस तरह क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग में मिलते हैं और नॉर्मल भी मिलते हैं, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, इलेक्ट्रिक और बैक्टीरियस बैसल जीवाणु। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है, तो वो है एम्पियर। इम्पोर्टेंट लगाइए, ये जो धाराएं हैं इकाई पूछी जाती हैं, और ये GS या GK के क्वेश्चनों में इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे विज्ञान के क्वेश्चन हो गए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पूछी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, रैबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो रैबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर ने की थी, तो इसे हम देखेंगे। आगे चलिए, आगे देखते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन से खनिज आवश्यक हैं, तो वो कौन से है, पोटेशियम, तो इस पर भी स्टार लगा दीजिए, पूछा गया। नेक्स्ट देखते हैं, मलेरिया की दवाई कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है, तो सिनकोन, ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप लगा लीजिए, क्योंकि मलेरिया किस मच्छर से होता है वो भी पूछा जाता है, और उसकी दवाई भी पूछी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो है शुतुरमुर्ग, यानी कि शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालना, यानी जानवर को पालना शुरू किया, तो वो हो गया कुत्ता। इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है टीचिंग एग्जाम में। अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, तो होगा काला। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ATM की फुल फॉर्म पूछी है, एटोमिक टेलर मशीन, तो ये पूछा गया है, तो इस पर भी स्टार लगा दीजिए। जो एब्रीवेशन वाली वीडियो आपने देखी होगी, तो उसमें हमने A to Z जो एब्रीवेशन देखी थी, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें मिली हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संसद की संयुक्त अधिवेशन जो होता है वो कौन बुलाता है। एक क्वेश्चन आता है, जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है उसका जो स्पीकर होता है वो कौन होता है, वो हमने पहली वीडियो में देखा था, तो वो होता है लोकसभा का जो स्पीकर होता है, वो होता है उनका कंबाइंड बैठक, यानी कि संयुक्त बैठक का जो स्पीकर होगा,
ये याद रख लीजिए, अगर लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक होगी, कंबाइंड बैठक होगी यानी संयुक्त अधिवेशन होगा, तो उसका जो हेड होगा वो होगा लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर उसका प्रमुख होगा, और उसको बुलाएगा कौन? बुलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति जी हमारे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें से बचाता है? तो बिल्कुल आता है ये ओजोन। आपको ये पता होना चाहिए जो नीचे वाली और जो समताप मंडल, शोभ मंडल, ये जो परतें हैं इनके अलग अलग चीज़ों में। एक क्वेश्चन इस तरह का आया था, जो वायुयान होते हैं वो कौन सी परत में उड़ते हैं या कौन से स्थान पर उड़ते हैं, शोभ मंडल में क्या होता है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन आते हैं, उसे भी हम करेंगे। पहले जो क्वेश्चन आज मिले हैं चुन के आपको पेपर से, एग्जाम से जितने पेपर से हैं वो देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो वो कहाँ पर है? वो अजमेर में है, ये भी पूछा गया है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर था? तो वो था कलिंग युद्ध। ठीक है, ये पूछा गया है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक। ये सारे आज जो क्वेश्चन है उसमें से 70% क्वेश्चन है ऐसे जो टीचिंग एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, कई बार जैसे दो या तीन बार में। आप अगर ऑल ओवर इंडिया के भी टीचिंग एग्जाम उठा के देखें तो ये क्वेश्चन आपको हर हालत में मिलेंगे। जीएस और जीके में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको का लेवल नॉर्मल लेवल, जनरल लेवल ही चेक करना होता है उन्हें, ना कि आपको एक हाई पोस्ट या उसके लिए। क्योंकि अगर आपको इतना जीके अच्छा नहीं होगा कि जैसे एक क्वेश्चन था हमने पहली वीडियो में देखा कि भारत के जो फ्लैग है उसका ये साइड और ये साइड क्या होनी, कितनी होनी चाहिए, तो उसका अनुपात था 3:2। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको कलरों का पता होना चाहिए कि इसमें ऊपर कलर कौन सा है, नीचे कलर कौन सा है, बीच में कलर कौन सा है, 24 तिल्लियाँ किस चीज़ का प्रतीक करती है। तो ये सब चीज़ें एक टीचर को पता होना चाहिए, क्योंकि हमें भावी जो स्टूडेंट है यानी कि जो भावी देश के भविष्य को चलाने वाले आगे, उनको हमें पढ़ाना है। और पढ़ाई अगर अच्छी नहीं होगी तो कहीं वो आगे काम की नहीं है। ठीक है बच्चों, इस तरह आपको सेकंड पार्ट मिल गया है, और आने वाले समय में आपको लगातार मिलते चल जाएंगे। वीडियो आपको लेट इसलिए मिलती है क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको वही क्वेश्चन मिलते हैं जो चुनिंदा क्वेश्चन है जो आते हैं या फिर कभी आए हैं, तो इसलिए वीडियो में थोड़ा टाइम लग जाता है छाटने में क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।